जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, आज मैं आपके साथ एक बड़े मज़े की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। व्यूअर्स, ये दोपहर का टाइम है, तकरीबन 2:15 का टाइम है। मैं जुहर की नमाज़ पढ़ रही थी और मेड भी घर पर मौजूद नहीं थी, तो बच्चों को भूख लगी। उन्होंने देखा कि मामा नमाज़ पढ़ रही हैं, तो उन्होंने किचन में आके अपने लिए रोटियां बनाना शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी नाज़रीन, कभी भी बच्चों को चूल्हा चलाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए 9-10 साल की उम्र में, क्योंकि ये डेंजर होता है, ख़ास तौर पे अकेले में। आप अपनी कस्टडी में रोटी बनवा लें या जो भी चूल्हे पे, वो फिर भी ठीक है, लेकिन अकेले में परमिशन नहीं देनी चाहिए। जी व्यूज, ये आप देख सकते हैं, ये मेरी दरमियान वाली बेटी है जो अपनी रोटी को सेक रही है। पहले उसने पेड़ा लिया, फिर उसको बेला और ये देखें जी, उसकी रोटी तैयार है। ये आप देख सकते हैं, रोटी की शेप ख़राब है लेकिन उसने रोटी बहुत अच्छी बनाई है और अब ये दूसरी रोटी बना रही है। ये अरीशा है मेरी बड़ी वाली बेटी, ये अपनी रोटी को सेक रही है, बहुत ही प्यारी इसने बनाई है। ये देखें कितना प्यारा बॉल बना है, बिल्कुल चपाती सी लग रही है, बहुत ही मज़े की लग रही है, बहुत अच्छी बनाई है। बल्कि मैं हैरान हो गई अपने बच्चों को भी देख के कि ये इस काबिल हो गई हैं कि अब अपनी रोटी बना सकती हैं। लेकिन फिर भी बच्चों को परमिशन नहीं देनी चाहिए कि अकेले में वो कभी भी चूल्हा चलाएं। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।